बैक टू आई YouTube चैनल, दिस इज मी सोनिया सोहल। आज हम आपके लिए बहुत ही कमाल की ऑफर लेकर आए हैं मोहाली की प्राइम लोकेशन पे, जो कि आपकी इमार एंड वेव जैसे सेक्टर्स से कनेक्टेड एक रेजिडेंशियल प्लॉट की ऑफर आपके लिए लेकर आए हैं, जो कि सेक्टर 98 में सिचुएटेड रहने वाला है। सो इस वक्त मैं प्लॉट साइट पे ही खड़ी हूँ। ये बिल्कुल हाईवे मेरे साथ में आ जाता है, हाईवे के बिल्कुल साथ में कनेक्टेड हमारी आज की ये प्रॉपर्टी रहने वाली है, जहाँ पर आपको गेटेड टाउनशिप मिलने वाली है। तो गेट पे ही आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिल जाएगी, जहाँ पे आपकी 3-tier सिक्योरिटी रहेगी। यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं रेजिडेंशियल प्लॉट 100 से लेकर 300 गज के साइज में, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस लोकेशन के कुछ एडवांटेज बता देती हूँ। हाईवे के साथ कनेक्टेड है, यानी कि आपकी जो इंटरसिटी रोड्स के साथ कनेक्टिविटी है, प्लस आपकी नेबरिंग स्टेट के साथ, प्लस आसपास के जो हॉटस्पॉट्स हैं उनके लिए कनेक्टिविटी बेहतरीन मिल जाती है। और साथ ही में प्लस पॉइंट ये है इस प्रोजेक्ट का कि आपका सेक्टर 104-105 MR का साथ में लगता है, प्लस आपका वेव स्ट्रेट आ जाता है सेक्टर 85 और 99, बिल्कुल पास में कनेक्टेड। तो वहाँ पर जो प्लॉटिंग के प्राइजेज हैं उनसे बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ पर प्लॉट मिल रहे हैं। फर्क कुछ नहीं है, सिर्फ एक सेक्टर का फर्क है। तो ये मोहाली की बहुत ही बेस्ट लोकेशन आ जाती है। चलिए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और मैं आपको टाउनशिप दिखाती हूँ कब। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास अवेलेबिलिटी रहने वाली है 150 स्क्वायर यार्ड, 200 स्क्वायर यार्ड एंड 250 स्क्वायर यार्ड एंड 300 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंस बता देती हूँ कि जो हमारे पास 150 से 200 गज के प्लॉट है, जो उनका सेगमेंट है, वो आपको 3 से 4 महीने की पोजेशन में मिलने वाला है। एंड जो आपके 250 से 300 गज के प्लॉट्स हैं, उनकी जो पोजेशन है वो बिल्कुल रेडी टू पोजेशन है। तो आज चाहें तो आज आप यहाँ पर रजिस्ट्री करवा सकते हैं और अपना प्लॉट खरीद सकते हैं और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे, ये जो हमारा सारा सेगमेंट है, ये 250 से लेकर 300 गज के प्लॉट्स का आ जाता है। यहाँ पर आपको 250 से 300 गज के प्लॉट मिलेंगे, जहाँ पे कुछ लोगों ने तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, कुछ लोगों के घर भी बन चुके हैं। यानी कि आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी टू रजिस्टर प्रॉपर्टी है। और यहाँ पर जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है वो ऑल फेसिंग प्लॉट्स की है। जो आपके 150 से 200 गज के प्लॉट है वो हाईवे के इस तरफ आ जाएंगे, एंड जो आपके 250 से 300 गज के प्लॉट है वो हाईवे से इस तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 250 से 300 गज के प्लॉट है, हाईवे के बिल्कुल उस तरफ हमारे पास 150 से 200 गज के प्लॉट है। वो प्लॉट आपको बहुत ही जल्दी उनकी पोजेशन पे मिल जाएगी। और मैं बात करती हूँ इनके प्राइस की साथ ही में, तो आपके जो प्राइजेज है, स्टार्टिंग प्राइस दोनों ही तरफ आपको मिल जाएगा 70,000 पर स्क्वायर यार्ड। बाकी डिपेंड करेगा कि आपने प्लॉट का साइज क्या चूज किया है, प्लॉट की फेसिंग क्या चूज करी है, प्लॉट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वो हाईवे के साथ कनेक्टेड है या फिर कॉर्नर फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। कुछ प्लॉट्स हमारे पास पार्क फेसिंग भी अवेलेबल है। गेटेड सोसाइटी के अंदर ही आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्क्स भी मिल जाएंगे, जिससे कि आपका ग्रीन एरिया भी प्रॉपर आपको मिल जाएगा। तो पहले मैं वेव के रेट्स की बात करती हूँ। 90,000 पर स्क्वायर यार्ड इस वक्त वहाँ पे करंट प्राइस है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बढ़िया अवेलेबिलिटी है। एंड सेकंड चीज़ कि एमआर में आपको कोई भी छोटे साइज का प्लॉट नहीं मिलेगा, वहाँ पे जितने भी प्लॉट है वो अबव 300 स्क्वायर यार्ड ही है। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल एमआर के साथ में 150, 200, 250, 300 गज के प्लॉट भी मिल जाएंगे, और वो भी बहुत ही एक ह्यूज डिफरेंस के साथ। 70,000 को आप कंपेयर कर लीजिए 90,000 से, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना बड़ा आप अमाउंट बचा सकते हैं अगर आप बिल्कुल थोड़े से डिस्टेंस पर अपना प्लॉट खरीद लें। सो डेवलपमेंट एंड इंटरनल रोड्स की मैं बात करूँ, तो डेवलपमेंट आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इस वक्त हो चुकी है। काफ़ी सारे लोगों ने अपने घर यहाँ पे बनाने शुरू कर दिए हैं और कुछ लोग यहाँ पे मूव इन भी हो चुके हैं। साथ ही में अगर मैं बात करूँ अंदर की सोसाइटी की, जितनी भी डेवलपमेंट है रोड्स की बात करूँ, तो रोड्स इस वक्त आप देख सकते हैं कंप्लीट हो चुके हैं सारे रोड्स। एंड जो इनकी विड्थ है वो आपकी 35 से 40 फीट वाइड इंटरनल रोड्स आ जाएंगी। साथ में ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड आपकी स्ट्रीट लाइट्स एक्सेट्रा, सब कुछ आपको सीवरेज सिस्टम, सब कुछ आपको डे वन से ही यहाँ पर बिल्टअप मिलने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं जो आपकी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑलरेडी लग चुकी हैं। एंड आपका सीवरेज सिस्टम, वायरिंग एक्सेट्रा जो कि अंडरग्राउंड रहने वाली है, वो सब कुछ हो चुका है यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी सारे लोग रहने आ चुके हैं। बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ी शानदार सी कोठी बनाई हुई है, साथ वाला प्लॉट भी खाली है। तो आप भी अगर अपना घर यहाँ पर बनाकर रहना चाहते हैं तो आप हमें गिवन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो इन्वेंट्री है वो बहुत ही लिमिटेड है। 250-300 गज के जो प्लॉट्स है वो बिल्कुल रेडी टू मूव इन है, तो उससे आप आज चाहें तो आप रजिस्टर करवा सकते हैं, और यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री बची है हमारे पास।
तो आई होप आपको हमारी आज की टाउनशिप पसंद आई होगी, जो कि गेटेड है, हाईवे से कनेक्टेड है, प्लस आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिल रहे हैं जो कि रेडी टू मूव की कैटेगरी में भी है, और 2 से 3 महीने का वेट कर सकते हैं तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। बेसिकली 150 एंड 200, 250 और 300 ये सेगमेंट हमारे पास रहने वाला है जो ऑल फेसिंग में अवेलेबल है। बहुत ही अमेजिंग सोसाइटी है, पार्क्स आपको इंटरनल यहाँ पे मिल जाएंगे, इंटरनल रोड्स बहुत वाइडिंग है, ऑलरेडी 12 सेक्टर है और ये सेक्टर 98 है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, क्योंकि बिल्कुल मोहाली के सेंटर में आ जाते हैं ये सेक्टर्स और मोहाली की इंटरसिटी रोड से भी वेल कनेक्टिविटी इसकी रहने वाली है। सो इस रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको चाहिए होगी तो आप हमें ये नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।